आज हैं हमारे बीच में सुदर्शन सरीन जी, जो समाज सेवी हैं, हर एक कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर करते हैं। आज हमारे बीच में जो बैकड्रॉप आप देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ विशेष बात बताएंगे। ये आज राष्ट्रीय सिख संगत ने ये गुरु गोविंद सिंह जी के 351वें प्रकाश उत्सव का ये कार्यक्रम किया। इसमें मुख्य अतिथि अपने लेखी जी, मेंबर पार्लियामेंट और अमरेश सहगल साहब भी, जनरल सहगल साहब वो भी पधारे थे। उन्होंने ये बात कही कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो देश के लिए काम किया है और वो सारी दुनिया के अंदर भी ऐसा उन्होंने जो मिसाल पैदा की है, तो ऐसा और कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि उसने अपने बच्चों का भी बलिदान किया, अपने पिताजी का भी और खुद भी सारा जीवन का तिल तिल जलकर उन्होंने समाज की सेवा की। आज देश को इसकी ज़रूरत है कि उनका जो संदेश है सब घर घर तक पहुँचे, सारे देश के कोने कोने में पहुँचे, तभी देशभक्ति का वातावरण बनेगा। एक साल से ये जो गुरु गोविंद सिंह जी के ये पर्व मनाए गए, कम से कम 100 के करीब ऐसे जगह पर ये बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, उससे बड़े वातावरण में फर्क पड़ा है। और वास्तव में एक आपको ये बताना चाहें कि इस वक्त जो राष्ट्रभक्ति का और देशभक्ति का भी जो वातावरण बना है, इसमें भी इनके बड़ा सहयोग मिला इस बात का। और हम चाहते हैं कि अगर मान लो देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को हम जगत गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश को सब आगे ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह जी जो संदेश दिया है कि सब जातियों के छोड़कर हम सब एक हों और एक होकर जो काम करेंगे और देश के लिए अपना त्याग बलिदान का और जो हम जो भी उदाहरण देंगे, जो हम कार्य करेंगे, उसी से ही हमारा देश ऊंचा हो सकता है। अभी 16 जनवरी को भी एक शहीदों के परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए या श्रद्धेय परिवारों को सम्मानित करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में भी हुआ था। तो ये शहीदों ने जो काम करते हैं, वो मैं समझता हूँ देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा काम करते हैं जो हमारे लिए अनुकरणीय है और हमारे लिए प्रेरणा की बात रहती है। और ऐसे शहीदों के बलिदान के कार्यक्रम जैसे 16 जनवरी को हुए और आज गुरु गोविंद सिंह जी के पर्व पर ये कार्यक्रम हुआ, ऐसे हज़ारों कार्यक्रम सारे देश में होने चाहिए और उससे सारे देश का वातावरण बनेगा और ऐसी जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं वो डिस्करेज होंगी और जो देशभक्ति का काम करके जो अब एक समाज का काम करते हैं उनको सही ताकत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि सबको इसमें जुड़ना चाहिए और सबको सहयोग देना चाहिए और ये सारे देश के अंदर मूवमेंट करनी चाहिए। और ये आज सिख संगत ने जो ये कार्यक्रम किया है, उसमें हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है, इसमें बहुत उत्साह मिला है और एक देशभक्ति की भावना जागी है। इस तरह के भाव जगाने के लिए ये सारे काम करने चाहिए और हमें सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सईद साहब।